What's up, everybody? Kaise ho? How's it going? Main school dikhne aaya hu. I got a chains on me, baby. Rockstar all day, every day. Cool dikhne aaya to photo shoot karenge na. Ekdam cool way mein. मैं मेरी टीम के बारे में बोलता हूँ. कोलकाता बाबू मोशायेस ने इतना अच्छा नहीं खेला ये साल, हम लोग 3 हारे और 1 जीते हैं. पर आपको इतना एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपको पता है बचपन से मैं चैंपियन था, तो अगर हार नहीं होती तो जीत भी नहीं होती है, तो हार से जीत मिलती है. तो इट्स ओके, वी लॉस्ट, और किसको हारना है किसको जीतना है, तो इट्स ओके, वी डिड ओके. और बाकी लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी. अगेन, हम लोग प्रोफेशनल नहीं खेल रहे, ये बस BCL है, वी आर इन एंटरटेनमेंट फील्ड. इतना सीरियस चीज़ नहीं है, बस इट्स अ फन चीज़, आप इन्जॉय करो, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ये फन के लिए है. सो वी जस्ट हैविंग फन. हार या जीत तो हम लोग बस हमेशा हंसी रहती है मुंह में. आई थिंक मेरे हिसाब से दिल्ली ड्रैगन्स या चेन्नई, एंड मुंबई इज ऑल्सो डूइंग गुड. तो जो भी है जीतो ब्रो, मैं सपोर्ट करूँगा. बेस्ट ऑफ लक टू यू. मैंने हाँ, मेरे कोलकाता के लिए बनाया था ऐसे 4-5 लाइन, लाइक कोलकाता विल विन cuz we are the best and if you try to fight with us you will come last. Hey, बल्ला घुमा के हम चौके छक्के मारेंगे, BCL की ट्रॉफी हम लेके आएंगे. पर ये नहीं हो रहा है. हम लोग BCL की ट्रॉफी नहीं लेके आ रहे, ये बस हमारा मोटिवेशनल सॉन्ग था. पर अगेन, हम लोग ने बहुत बेस्ट ट्राई किया, तो इट्स ओके. आई डोंट नो, प्रैक्टिस में वी वर स्कोरिंग 150 रन्स, विकेट्स गिरा रहे थे, वी वर हैविंग कैचेस, सो प्रैक्टिस में वी वर ऑसम. मे बी ओवर हियर थोड़ा अंडर प्रेशर, अंडर द लाइट्स कुछ होता है, बट देन आई डोंट नो क्या हो सकता है, कुछ तो हुआ होगा, आई डोंट नो. बट अगेन, हारना बहुत ज़रूरी है, जितना जीतना भी है, क्योंकि फिर गेम ही नहीं होएगा नहीं तो. आर वी डन हियर? बाय एवरीबॉडी. या लेट्स डू सम विजुअल्स. लाइक इट? अभी हम 4 में से आज एक पूछा. अच्छा, अभी हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम हर चीज के लिए ही एक्साइटेड हैं. और मेन पॉजिटिव है, अच्छा खेले बुरा खेले जैसे भी खेले, हम उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते रहेंगे. नो मैटर व्हाट हैपेंस, द टीम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत यूनिटी है हमारी टीम में, बहुत एक दूसरे को ही चीयर करते हैं, तो इसलिए सारे प्लेयर्स अच्छे. जब मैदान में उतरते हैं क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या प्रिपरेशन करते हैं? स्ट्रेटजीज कुछ नहीं होती, हम सबको हमें हमारी स्ट्रेंथ पता है, कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, किसको क्या करना है, किस टाइम पे कैसे क्या करना है, वो सबको सबका रोल पता है. तो बस हम अपना अपना खेलते हैं और एक दूसरे को चीयर अप करते हैं बस. ये सीजन में जो है दिल्ली ड्रैगन और मुंबई टाइगर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? उनसे अच्छा हम कर रहे हैं. जेन्युइनली उनसे अच्छा हम कर रहे हैं, ये जेन्युइन बात है. तो हम हर वे में अभी टॉप हैं रैंकिंग पे, हर वे में पॉइंट्स टेबल पे, रन रेट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यार जेन्युइन नहीं बोलूं तो बांध देती हूं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने लंबे बालों से फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग कुछ तो होगी नहीं, पहले मेरे बाल जाएंगे फिर मैं पहुंचूंगी, तो ऑब्वियसली बांधना तो पड़ता है बाल. बढ़िया, कभी कभार सिक्स जा रहा होता है ऊपर से तो ये. हाँ तो रोक लेती हूँ मैं, हाइट इतनी नहीं है ना मेरी, इतनी हाइट नहीं है ना, जैसे ये जंप मार मार के कैच पकड़ते हमारे तो ऊपर से निकल जाता है. थैंक यू.
बस कल आखिरी कल, हाँ लेकिन कल वो परसों खत्म हो गया। हाँ जी आ गया नहीं, आराम से उधर खड़ा हो गया, इतना अच्छा है। वाह क्या बात है, किसको देखूं? सेंटर वाला तो यार मान गया यार, उसको तो खुश हो गया एकदम। हाँ जी चलो जी। आज जो है फोटोशूट होने वाला है, हिटेन कितने एक्साइटेड है फोटोशूट के लिए और क्या कुछ होने वाला है? अरे यार मेरा रोम रोम, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे फुल लाल हो गया देख मैं। इतना एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें जो है ये बैट और बॉल के साथ में, यार हमने तो यार तरह तरह के प्रॉपर्टीज़ के साथ में हम लोगों ने फ़ोटो किए हैं, लेकिन ये बैट बॉल के साथ में अलग ही अंदाज है। कोलकाता बाबू मोशाय इस साल जो है अच्छा नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट है और क्यों अच्छा नहीं कर पाई, क्या रीज़न है इसका? देखिए क्या है कि क्रिकेट में ये नहीं होता है कि आज आप बहुत अच्छा खेलोगे, आज आप अपना ये करो, दिन होता है, हमारे दिन ही नहीं थे ये समझ लो। तो चार में से हम तीन मैच हारे, एक मैच जीते, और मेन रीज़न ये भी था कि मेरे पास जो मेरे साथ जो खेलते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जिन्होंने खेले, तो दो तीन लोग थे, मैं था, शरद था, अमित सरीन था, नमन था, बाकी लोग मोर और लेस नए थे, तो उन लोगों के लिए पहला साल था। तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये क्या फॉर्मेट है, क्योंकि ये जो बॉल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को लगेगा कि ये क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअली ये बॉल के साथ खेलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपकी असली गेम भी है ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो वही हुआ हमारे साथ, अब आई एम श्योर जो इस साल पहली बार खेले, नेक्स्ट ईयर वो लोग के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो लोग रेडी हैं। इस साल क्या लगता है किसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांस? मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिल्ली के लग रहे हैं, बट इक्वली मुंबई इज़ इक्वली गुड टीम, तो हो सकता है कि दिल्ली मुंबई, कल अभी पता चल जाएगा दिल्ली मुंबई में कौन जीतता है, क्योंकि ये है पूरा वही होने वाला है, क्योंकि दिल्ली वाले जो हैं आधे मुंबई में चले गए हैं, तो यू नो इट्स लाइक सेम टीम है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई एम, मुझे टीम के हारने का कारण कई एक रीजन है, लैक ऑफ ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखा है कि हमने बहुत सारे कैचेस भी छूटे हैं। नहीं 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 नहीं, वो हमारी टीम से कैचेस नहीं छूटे, बहुत सारे कैचेस हम लोगों ने पकड़े, मैक्सिमम इक्का दुक्का छूटा, वो एक कैच छूटा बिकॉज ऑफ द गर्ल का था, दैट यू कांट से, बाकी जो मेजरली फील्डिंग वॉज नाइस, हम लोग का मेरे को कोऑर्डिनेशन भी नहीं, हमें लगता है हम लोग का जो था बॉलिंग एरिया थोड़ा सा वीक था, और ये गेम बॉलिंग का ही, बॉलर्स का ही है, अगर वो बॉलिंग में बैट्समैन को रोक देते हैं या उन्हें रन नहीं बनाने देते, दैट मीन्स वी हैड इट, बट हर टाइम ये हो गया कि हम उन्हें रोक ही नहीं पाए, और हमारे सामने स्कोर्स थे 200-233, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोई भी अच्छे बैट्समैन के लिए खेलना, के जाते ही आपको पहले ओवर से ही आपको 24 या 28 रन का एवरेज रखना है, नहीं तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा वो था। अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर की बात करें, आरशी ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और साथ भी काफ़ी फ्लर्ट किया? हाँ मेरा ख्याल है जो मकसद था आज उनको लेने का वो पूरा हो गया, अब क्या उसके साथ मैं क्या बोलूँ, और मे भी देखिए क्या है कि सारे टीम में मेरा ख्याल है कोई ना कोई ऐसा है खिलाड़ी या प्लेयर है या कोई ना कोई ऐसा है जो यू नो एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आई एम श्योर दे आर डूइंग दैट आल्सो एंड आई एम श्योर दे आर प्लेइंग आल्सो। अभी हाल फिलहाल तो यही आप यही देखेंगे, और एक डिजिटल फिल्म की है वो रेडी है, उसका पोस्ट चल रहा है, वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, वो है, उसके आगे मैंने अभी कुछ कॉन्क्रीट साइन नहीं किया, एक बार साइन होगा तो आई एम श्योर सबको बता दूंगा। थैंक यू, सबको मिला विजुअल, आ गया क्या करना, क्या चाहते मोंटाज मत लो यार, मोंटाज क्या फायदा मोंटाज, देखा क्या पकड़ने तो नहीं है ठीक, आप भी हो? हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब शूटिंग करते रहते हैं तो थोड़ा चेंज ही होता है बीच में, तो वो चेंज
मिला है और रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है और वापस से हम लोग पंप हो जाते हैं अगले दिन की शुरुआत करने के लिए और मस्ती करने के लिए। यार दोनों ज़रूरी हैं तो मैं तो चाहूँगा पहले उधर पैसे कमा के मैं मैच खेलने आ जाऊँ। बाकी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह है और बहुत ही मस्ती होती है, बहुत ही मजाक होता है क्योंकि जो बाकी के दोस्त हैं जो दूसरे शोज़ करते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सब लोग मिल भी लेते हैं और लड़ भी लेते हैं और फिर साथ में बैठ के बाद में बातें भी कर लेते हैं। अभी तक हमारी टीम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सबने अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है और आई गेस जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आने वाले हैं तो उसमें भी हम उतना ही अच्छे से करेंगे क्योंकि अभी हमें हमारी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सबको एक दूसरे पे बहुत भरोसा है तो और जहाँ भरोसा होता है वहीं उम्मीद होती है। तो चेन्नई स्वैगर्स का जो पूरा टीम है उसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो उन लोगों का स्वैग है ना वो बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डिफरेंट है, तो आई थिंक हम खेलते नहीं हम लोग पेलते हैं। बस करें अभी एक हाँ। सुना है कि BCL का भी होली फंक्शन होने वाला है तो क्या कुछ होली मचने वाला है? होली धमाल मचेगा और गाना होगा, डांस होगा, कलर्स होंगे और आई मतलब कलर से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है जितना मुझे क्रिकेट से है, तो होली के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, साल में 2-3 बार ही आनी चाहिए और गालियाँ खाने में लोगों की बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं इतना गंदा कलर लगा देता हूँ वो एक महीने तक नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ होली के लिए। प्लीज़ होली आने वाली है, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, बाइक्स पर मत जाइएगा, दारू मत पीजिएगा और गाड़ी भी में जाएँ तो ड्राइवर साथ रखिएगा, ध्यान से खेलिएगा, अपने आप को रिस्क मत पहुंचाइएगा और सबको कलर लगाइएगा। थैंक यू। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ BCL एंड जैसे कि हमने BCL एंजॉय किया वैसे ही फोटोशूट भी एंजॉय करेंगे एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और मेरा तो पहला सीजन है तो डेफिनेटली आई एम गोना एंजॉय इट। सेम मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और BCL खेल के मज़ा आ रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ मतलब मुझे तो इसकी बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी और खेलने को इतना नहीं मिला बट देख देख कर ही सीखने को काफ़ी कुछ मिला और फोटोशूट भी इंजॉय करेंगे। स्ट्रैटेजीज टू द फर्स्ट थिंग इज टू इंजॉय द गेम एंड देन ऑफकोर्स विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट देन हर एक टीम के साथ स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है बिकॉज हर टीम की एक फॉर्म अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है और एक्चुअली ग्राउंड में जाकर आपको कुछ ना कुछ हम सोच के कुछ सोच के और होता कुछ है एग्जैक्टली exactly. थोड़ा चेंजेस तो करना ही पड़ता है। गोवा किलर्स ने इसलिए मैच नहीं जीता है बिकॉज एक तो पहले उनका सबसे पहला सीजन है, दूसरा एवरी प्लेयर इज़ गेटिंग अ हैंग ऑफ इट बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लाइक 80% ऑफ द प्लेयर्स आर न्यू टू द टीम एंड द टीम इज़ न्यू, फर्स्ट टाइम एंट्री करी है बट एज अ फर्स्ट टाइम अच्छी टीम्स के साथ हर मैच में 100+ स्कोर किया है तो आई थिंक इट्स अ नाइस गुड साइन फॉर द नेक्स्ट सीजन विच इज़ कमिंग अप बिकॉज हर एक टीम टाइम के साथ बनती है, आते ही नहीं बन जाती है। मतलब हमने हर मैच में टफ कंपटीशन तो दिया ही है हर टीम को, सो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है और जैसे मैंने कहा कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला, सो ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम नेक्स्ट सीजन में लेकर जाएंगे और कुछ अच्छा ही करके आएंगे। हाँ एंटरटेनिंग तो है ही, मतलब हमारे पास हर तरफ से हाँ राखी सावंत है हमारे पास और वो 11 के बराबर है हाँ, जैसे आपने देखे हमें कुछ करना राखी राखी करते थे एग्जैक्टली, तो वो शी टेक्स द चार्ज और एंटरटेनमेंट का पैकेज है वो पूरा मसाला, तो वो देती है पूरा मसाला जी। अर्शी को हरा दिया हैं अर्शी जी दरी उनको हरा दिया, वो मतलब वो राखी की स्ट्रैटेजी है गेम जीतने की, वो राखी उस तरीके से गेम जीतना चाहती है कि अंपायर को अपने कंट्रोल में रखे, उनका अलग तरीका है जीतने का गेम और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। थैंक यू। हमारी टीम बेस्ट है, गोवा खेलर गोवा एंटरटेनर्स होना चाहिए था इसका नाम।
फोटो शूट के बारे में वेल अच्छा हो रहा है और काफी मजेदार लग रहा है तो इसके बाद फोटो शूट करेंगे मेन रीजन है एक्चुअली जो टीम बनी है वो टूर्नामेंट से पहले 7 दिन बनी है यू नो सो सोनी जी जस्ट बॉट द टीम आई थिंक 7-8 डेज बिफोर सो उसके बाद प्लेयर्स आए तो क्या होता है वो टीम कॉम्बिनेशन वो वगैरह तो हमने फर्स्ट टाइम सबको जाना ऑन द फील्ड तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत ये था बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी रॉकेट वो सब जाता है वो जितना भी क्रेडिट जाता है वो मिस्टर सोनी को जिन्होंने वो लोग पिक किए कि ये एंटरटेनिंग और वो खुद भी बहुत एंटरटेनिंग है सोनी जी बोलिए अर्शी हमारे टीम में नहीं है अपनी टीम में राखी सावंत है वो एक्चुअली कल हमारा वो एंटरटेनमेंट देखकर है उसने ये कर और दिया पूजा है स्विच कर दिया था तो हमने यही सोचा कि दूसरी टीमों में इतने मतलब बिकॉज क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ जाता है तो ये लोग जो भी है तो हर एक को एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं हारना है जीतना दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्ट्रैटेजी यही होती है कि बॉल देखो और मार दो और अपनी टीम को बेस्ट स्कोर दे दे वही होता है कि बिकॉज मान लीजिए एज अ फैमिली तो बहुत कोशिश रहती है कि टीम अच्छा करे और बस यही होता है कि बस अपनी टीम अच्छा करे और ऑल द प्लेयर्स आर बेस्ट एंड दे आर डूइंग द बेस्ट बिकॉज हमने जैसे बताया कि 8 दिन पहले ही ये टीम हमने खरीदी है तो मैं आलिन कपूर और विकास जैन जो बाद में दे बिकम अ पार्टनर विद अस किलर्स सो इंस्टेड ऑफ गोवा शार्क देन वी चेंज द नेम टू गोवा किलर जी मैंने जितनी भी टीम जैसे मैंने चेन्नई के साथ हमने खेला दिल्ली के साथ और आज मैं मुंबई का भी मैच देख रहा था सभी अच्छे लगे मुझे एक्चुअली वो क्या पिछले 3-4 साल से खेल रहे और ये जो बॉल है बहुत डिफरेंट है सो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सो बट ये 3 टीमें मुझे अच्छी लगी बाकी मैंने देखी नहीं है अभी तक बट ये टीम अच्छी लगी थैंक यू सो मच थैंक यू हाँ बोलो चलो शुरू हो जा मैं एक्साइटेड नहीं रहती हूँ मेरा ये रोज का काम है इसका जवाब आपको हितेन तेजवानी देगा ऑब्वियसली हमारी टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी है एंटरटेनमेंट है लेकिन कमज़ोर टीम है और वहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो कमज़ोर हैं लेकिन हम लोग गोवा से अच्छे हैं एटलीस्ट हमारी टीम वर्स्ट टीम नहीं है जो हमें कल साबित करना तो हमने साबित कर दिया तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हितेन को और अच्छी टीम अगर बनानी है तो मेरे हिसाब से 1 महीना पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगी आपने देखा होगा मैं प्लेयर्स को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और मेरी टीम के नहीं दूसरी टीम के भी कर देती हूँ मैं बोल देती हूँ बेबी आराम से खेलना तो विकेट उड़ जाता है तो बड़ा मज़ा आता है मुझे सब करने में राखी तो फुटेज लगी मुझे नहीं राखी बहुत अच्छे इंसान है और मज़ा आया मुझे उनके साथ राखी नहीं सभी के साथ मज़ा आया ढिंचक पूजा के साथ मज़ा आया बाकी और टीम्स के लोगों के साथ बहुत मज़ा आया तो सभी के साथ बहुत मज़ा आया और मिला जी के हस्बैंड के साथ भी बातचीत करके बहुत मज़ा आया तो मतलब जितने लोग हैं यहाँ पर लखनऊ नवाब की भी जो श्रुति हैं सब बहुत अच्छे हैं अरे देखिए जो खुद जलील होते हैं तो हम किसी को जलील करके क्या फ़ायदा है जिनकी खुद की इज्जत नहीं हम उनकी बेइज्जती क्या करें तो अगर मैं उनके घर में झाड़ू करूं पोछा करूं तो ठीक है ना उसमें क्या दिक्कत है कर देंगे अब क्या कर सकते हैं वो तो जलालत से भरी हुई है तो मैं क्या करूं मैं उनको जवाब देना पसंद नहीं करती क्योंकि अगर मैंने उनको जवाब दिया तो आप लोग वो कोल्ड वार करके चलाना शुरू कर देंगे और फिर वहाँ से और जवाब आएगा फिर यहाँ से मेरे मुंह से कुछ निकलेगा तो इसलिए भैया माफ़ करो उनसे तो दूर रहो तो बेहतर है शो के टाइम मिली तो हाय हेलो दैट से
होली मेरी जयपुर में बनेगी और मनाऊंगी और बहुत अच्छा बहुत बड़ा इवेंट है वहाँ का, तो वहाँ पर जाऊंगी मैं और पहली बार मैं होली सेलिब्रेट करूंगी, तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। नहीं मेरा बैग का एक्चुअली क्या हुआ, कल मैंने टी शर्ट ना उससे मेरी हंसी के अंदर ऐसे घुमा के फेंक दी ग्राउंड में, एंड आई डोंट नो कोई उठा के ले गया मेरी टी शर्ट। कोई शार्दुल ले गया, शार्दुल ले गया। ऐसे काम वो ही कर सकता है। Who won the match? I don't know who won the match, but I would definitely say कि match बहुत interesting था और सामने वाली team जीते जीते रह गई और हम हारते हारते रह गए, तो मेरे ख्याल से क्या result था मुझे भी नहीं पता अभी तक। मेरे ख्याल से सभी team अच्छी है और it's all about the day, all the teams are playing, तो all the players are good, just that team spirit किसी का high होता है उस दिन और किसी का किसी को कोई टीम उसके माइंड गेम से ब्रेक कर देती है। दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग, अगर ऐसी बात है तो ऐसा सुनने में हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक यस, बात तो सही है, इस बार टीम अच्छी बनी है, स्पिरिट्स हाई हैं, मोराल अच्छा है और गेम भी अच्छी आ रही है, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग विद दिल्ली व्हेनेवर वी गेट द अपॉर्चुनिटी। सभी अच्छे हैं, 11 के 11 प्लेयर अच्छे हैं, बल्कि जो डगआउट में बैठे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें एक्चुअली बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ता है कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। द प्लेयर्स आर फैंटास्टिक, एज अ टीम बहुत बढ़िया है। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली लिमिटेड प्लेयर्स इन आवर स्क्वाड एंड प्लेइंग 11 के अलावा और बस तीन प्लेयर एक्स्ट्रा जो हमारे साथ सपोर्ट में बैठे हैं। टॉस जीते तो बॉलिंग ले लेते हैं और अगर टॉस हारते हैं तो सामने वाले अपने आप बैटिंग चूज कर लेते हैं। बट अगर कहना चाहें तो फिर यस, आई थिंक फील्डिंग और बॉलिंग हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग स्ट्रॉन्ग है। आई फील एवरी टीम कैन गिव, सभी टीम ने ट्राई, सब ने किया है, आई कांट से कि किसी टीम ने ट्राई नहीं किया, काफ़ी अच्छा खेली है सब टीमें। बट लाइक मृणाल सेट के उस दिन पे जो टीम अच्छा खेलती है, साथ में लक फैक्टर भी होता है, वो जीतती है। एंड आई थिंक सभी टीमों ने अच्छा खेला है, बट वीव जस्ट प्लेड वेरी वेरी वेल टुडे। आई डोंट नो, गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। वेलकम टू एमटीवी, किलर प्रेजेंट्स एमटीवी बीसीएल 2018 फ्रॉम 26th ऑफ फेब्रुवरी, 8 to 10 मंडे थ्रू थर्सडे। डन, थैंक यू वेरी मच। He's your friend also, no? अर्जुन सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज जो फोटोशूट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं, किस तरह का फोटोशूट है? आई थिंक बैट और बॉल के साथ है और अपने अपने टीम के जो जर्सीज है उसके साथ है, एंड आई गेस ये फोटोशूट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दैट्स वॉट विल बी ऑन द बिलबोर्ड्स एंड इट विल इन्वाइट पीपल टू कम एंड वॉच बीसीएल, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आए और क्रिकेट का मज़ा ले और जितने उनके चहेते एक्टर्स हैं वो कैसे खेल रहे हैं और क्या क्या मस्ती कर रहे हैं फील्ड पर वो भी देखें। मैं सिर्फ उनको इतना कहता हूँ कि जाओ वहाँ मज़े करो खेलो, इट्स नॉट ओनली अ गेम ऑफ क्रिकेट बट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फन व्हाइल यू आर प्लेइंग। एम टी वी बी सी एल इज़ जस्ट नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग फन एंड मस्ती एंड दैट एग्रेशन, तभी तो लोगों को मज़ा आएगा। तो आई गेस हम में वो सारी चीज़ें हैं जो एम टी वी बी सी एल जीतने के लिए ज़रूरी है। हम ऑलरेडी सेमीज तक पहुँच गए और मैं चाहता हूँ कल की मैच भी हम जीते और फिर फिनाले में देखते हैं क्या होता है। जीती हुई आई है, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छी टीम है उनकी, खेलते भी अच्छा हैं,
बट इस बार जो मुंबई टाइगर्स का अग्रेशन रहा है और आज की भी मैच अगर आप देखें तो इतनी हमने इतना ज़्यादा स्कोर नहीं किया था फिर भी हम जीत गए, तो जहाँ पैशन और अग्रेशन का जो मिक्सचर होता है तो वहाँ उसे हराना बहुत मुश्किल होता है। बाकी गेम इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, देखते हैं कौन जीतता है दिल्ली या मुंबई, बट मज़ा तो आएगा मैच में। आई थिंक बलराज प्लेज रियली वेल एंड चिराग सेठी, बोथ ऑफ देम हैव बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली, बहुत अच्छा खेले हैं वो दोनों, तो एंड बलराज कैप्टन भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही वो कैप्टनसी निभाते रहें और हमारी टीम की नई पार लगा दें। आई लव विराट कोहली, आई थिंक बिकॉज मुंबई टाइगर्स है तो इट ऑल्सो पोर्ट्रेज अ लॉट ऑफ एग्रेशन, एंड विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो दुनिया की परवाह नहीं करता और जो अपने बल्ले से बात करता है। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक्स। जो मर्जी लाओ। सैमुअल सूरज किशोर सबको बुला लेना यार, वो अपने रूम में बैठे, उनको बोल जल्दी आना यार। बैट सर इधर आ जाओ, पागी इधर आ जाओ, इधर ले पास। ओ एसटी एसटी बॉय, इसको भी कर लेना आगे। किसका है किशोर? आ रहा है बेटा, चलो आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, आ जाओ सू इधर आ जाओ। हाँ जी सर, बोलो ना यार। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। स्ट्रेटजी हमारी एक बड़ी सिंपल होती है कि या तो कोई काम करो नहीं, और अगर करो तो पूरे मन से करो, और आज के मैच में फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने बहुत कम रन किया अकॉर्डिंग टू आर स्टैंडर्ड्स, लेकिन हमें पता था कि हमारे पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। मैं हूँ, सुयश है, अंकित है, सेठी है, और बाबा सर के साथ हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं दबा के, तो हमें ये था कि हमारा प्लान ये था कि अगर हम उनको पहले तीन ओवर में रन नहीं देंगे तो हम उनको पकड़ सकते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उन्होंने चार ओवर में 58 रन बनाए थे, और चैलेंज ओवर बल्ली वाला हार गए। आई थिंक जहां पे शिखा ने तीसरे ओवर में हमें चौथे ओवर में विकेट दी, विकेट दिलाया कुणाल, दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट, गेम चेंजर था, और उसके बाद फिर वो उठ के नहीं आ पाए, और मैं थोड़ा सेंटी हो गया आज ग्राउंड में। मेरा काम लोगों को हंसाने का, बट आज मैं खुद अपने आंसू मैंने रोके हैं थोड़े से, क्योंकि ये जो टीम है, ये मुंबई टाइगर्स, मेरे को यहाँ पर ऐसे दोस्त मिले हैं जो शायद सारी लाइफ मेरे साथ रहेंगे। BCL 2 साल, 10 साल, 50 साल चलेगा, लेकिन ये सब मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरी फैमिली बन गई है यहाँ पर, और जितनी एफर्ट आज लोगों ने टीम के अंदर डाली है ना, मेरे को ये लगता है कि इससे ज़्यादा पैशनेट क्रिकेट मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं खेला। बहुत क्रिकेट खेला है, मेरी पुरानी टीम भी बहुत पैशनेट थी, मैं जयपुर से 3 साल खेला हूँ, मेरी फैमिली है वो। जब मैंने जयपुर छोड़ा था मेरे को लगा था कि मैंने गलती तो नहीं की, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की मुंबई। आपके परफॉर्मेंस की सारी टीम बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को अगर, और आज के मैच में क्या बॉलिंग हो जू, बॉलिंग हो जू, दिस इज द मैच। ये कुछ नहीं है यार, इट्स बेसिकली माय कोच बाबा सर, जो हम लोग की टीम के कोच है सर, है ये रहे, ये रहे, दैट्स माय कोच बाबा सर, ही इज द मैन बिहाइंड, ही इज द मैन बिहाइंड, ही वाज द वन जिन्होंने दिल्ली को 2 साल बैक टू बैक जितवाया, और ये मुंबई पे पहली बार हाथ रखा है, और हम लोग यहाँ खड़े हैं ऑलरेडी सेमीफाइनल्स में। यो थैंक यू, बहुत बड़ी, बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब ट्रॉफी भी उठाएंगे एक बार फिर से, और प्रूव कर देंगे कि जहाँ पे ये एक यूनिटी, जहाँ पे जब एक टीम खेलती है ना भाई, उस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, और हम लोग का लास्ट ईयर दिल्ली तक यही था कि दिल्ली को अगर कोई हरा सकता है तो है दिल्ली, और अब वही है मुंबई को, अगर कोई हराएगा हम खुद अपनी गलती से हारेंगे, अदरवाइज जिस कैपेबिलिटीज और जो स्ट्रेंथ है हमारी, अगर हम उस पर खेल रहे हैं, कोई टीम नहीं है जो हमें हरा दे, एंड हमने प्रूव किया आज के मैच में, एंड कल एक बार वापस प्रूव करेंगे, कौन कह रहे हैं बोलने दो,
हर भाई को अपनी मिठाई मीठी लगती है, मिठी है। और उसमें कोई गलत नहीं है, दिल्ली का कहना कुछ भी गलत बात नहीं, अच्छी टीम है उनकी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। पर कल जो चेन्नई के साथ, चेन्नई ने उनके साथ किया है, किया ही है उनके साथ, बलात्कार के बाद वर्जिनिटी का दावा करने गलत होते हैं। चेन्नई ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमने बीसीएल जीत लिया है दिल्ली को हरा के कल, तो आई डोंट थिंक दिल्ली को इतना सब कुछ बोलना चाहिए फिलहाल। सी क्रिकेट, क्रिकेट जितना क्रिकेट हम लोगों ने खेला है, ये देखो ये हमारा भाई अर्जुन के लिए तालियां और जोरदार, ये आदमी, मैं इसके लिए एक बात बोलनी चाहूंगा। तू अभी कुछ मत बोला, मैं बोलता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ जबान तेज नहीं चलती, इसका जो बल्ला है वो भी बहुत तेज चलता है, और इसने वाकई में आज बहुत अच्छी बोलिंग डाली, और वो जो चैलेंज ओवर था, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर, दैट वाज द गेम चेंजर। सो थ्री चीयर्स फॉर बलराज, हिप 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 हिप। और अर्जुन एक ऐसा आदमी है जो पीछे रह के बहुत ज्यादा काम करता है, हर मैच में नहीं आ पाता, शूटिंग होती है, पर रोज ऑन द बेस्ट आ जाता है, इन अ गुड वे, हां पीछे रह के ज्यादा काम करता है। और इसने मेरे से वादा किया था कि भाई आपको जो टीम चाहिए, आपको जिस तरीके के लोग चाहिए वो आपको मिलेंगे, आप सिर्फ जान डाल के खेलो। और आज लकीली ये हुआ कि हमारा मैच इतना फंसा हुआ था, पहले हाफ के बाद हम लोग 70% डाउन थे, 30% हमारे चांसेस थे, लेकिन हमारे ये कैप्टन है हमारी टीम का, टॉस करने चाहे मैं जाता हूँ, कोई और जाते हैं, ही इज द रियल कैप्टन, जो हमको पूरा सपोर्ट करता है पीछे से, पीछे कैमरा नहीं है, ऑफिस, बैक ऑफिस, हाँ, और हेडक्वार्टर है हमारे। और आज अर्जुन भी बहुत प्राउड फील कर रहा होगा, जिस तरीके से टीम ने एफर्ट डाला है आज, और वही बात है, हम 16 खेलते हैं, हम कभी 11 नहीं खेलते। मैंने ग्रुप में भी कल रात को बोला था कि हम एक बार धूल चाट चुके हैं, दूसरी बार नहीं चाटनी हमको, क्योंकि हम लोग जब भी प्रेशर में थे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और दिल्ली के खिलाफ प्रेशर मत बनाना, बिना प्रेशर के जीतना, अच्छा क्रिकेट खेल के, और जीत के जाने का फायदा पता क्या होता है, मोमेंटम आपके साथ होता है, एक टीम हार के आ रही है, और दिल्ली अभी जो दिल्ली के साथ अगर हम कल सेमीज खेल रहे हैं तो दिल्ली एक मैच हार के जाएगा, सो वही मोमेंटम की जो बात हो रही है, हम लोग जीत के आए हैं, सो ऑब्वियसली आपको जी, आपकी जो जीत है वो आपकी जुबान पे चक चुके हो आप, सो वो कांस्टेंट रहता है। दिल्ली अभी मोराल डाउन होगा जब वो आएगी, प्लस बहुत प्रेशर होगा क्योंकि मुंबई की अब जो टीम उभर के आ रही है, सो दिल्ली एनीवे अंडर प्रेशर आएगा, सो उस चीज़ का फायदा उठा के अगर हम खेल गए राइट टाइम, राइट हमने अपने ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल कर लिया अगर, तो फिर तो और ये टीम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अनुष्का तो ठीक है, विराट को कोहली बनने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये हमारी जो टीम है ना, इस टीम का सबसे बड़ा प्लस पता क्या है, हम जिसको भी गाली निकालते हैं ना मिलके निकालते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं मिलके करते हैं, हमारा स्लोगन है जो हमने कभी बोला नहीं, हम लोग ये बोलते हैं कि जब टाइगर दहाड़ेंगे सबकी फाड़ेंगे, लेकिन हमारी टीम ये बोलती है कि वी आर अ टीम, वी स्टैंड टुगेदर, वी फॉल टुगेदर, तो जब भी हम मरेंगे एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, जो कैमरे के उस पार जो लोग होते हैं, जो एक्चुअली एमटीवी बीसीएल देखकर जो मुंबई टाइगर्स को सपोर्ट करेंगे, तो वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम आल्सो, सिर्फ 16 प्लेयर्स नहीं, जो डगआउट में जो हमें समाज जो सपोर्ट करते हैं, होल टीम यार, उनका बहुत हाथ होता है, बिकॉज जब तक वो चीयर नहीं करते, और जब आज मैंने देखा everyone was cheering so well that you know players mein apne aap wo exhibition you know not only that because you know, hum log pichle 10 din se practices kar rahe hain 10 din se hum log practices kar rahe hain so puri team hamari practice arrange karti hai you know wahan pe hamara diet pani kele you know protein bars or everything to arrange all of that sab kuch aake hum log ke liye arrange karna so it's like a proper team effort wo sab nahi hote management team nahi hoti so obviously this is also not possible aur ek special mention hai हमारे दो लड़के ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो पाया और उनमें से एक यहाँ पर नहीं है लेकिन ये अभिलाष एक बार भाई मेरा सामने है ये देसर से रोज आता है प्रैक्टिस पे इसका प्रोफाइल भी अप्रूव नहीं हुआ इसको पता है ये खेल नहीं पाएगा फिर भी सपोर्ट करता है और अगर ये लोग नहीं होते तो मुझे लगता है कि हमारी टीम में इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती एक बार अभिलाष के लिए भी जोरदार तालियां और पीयूष के लिए भी और एक हमारा आपको मैं वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो एक छोटा सा वीडियो है हमारा छोटा सा एक बहुत बड़ा सपोर्टर है छोटा सा लेकिन बड़ा सपोर्टर है उसका नाम है अयान उसने वो कल आएगा वो कल आएगा अर्जुन का बेटा वो बीमार था बहुत ज्यादा फिर भी उठाएगा है ना ट्रॉफी Thank you so much. Thank you guys. Ah, come on.
आ जाओ साथियों, थोड़ा पीछे हो जाते हैं, सब लोग आ जाएंगे। हाँ तो चलो मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं, चलेगा एक बार। ये लोग मेरे को चिल्लाएंगे सर, कोई नहीं चिल्लाएगा, हम खड़े हैं, कोई नहीं चिल्लाएगा। दो मिनट रुक जा, थोड़ा हो जाना, खड़ा हो जा। So three, every time we have to say when we take a picture, Mumbai Tigers loudly, Lucknow Swaggers. Okay. Mumbai Tigers! Mumbai Tigers! What's up everybody? कैसे हो? How's it going? मैं बस कूल दिखने आया हूँ। I got a chains on me, baby. Rockstar all day, every day. कूल दिखने आया तो फोटोशूट करेंगे ना एकदम कूल वे में। मैं मेरी टीम के बारे में बोलता हूँ। कोलकाता बाबू मोशायेस ने इतना अच्छा नहीं खेला, ये साल हम लोग 3 हारे और 1 जीते हैं। पर आपको इतना एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपको पता है बचपन से मैं चैंपियन था, तो अगर हार नहीं होती तो जीत भी नहीं होती है, तो हार से जीत मिलती है, तो इट्स ओके वी लॉस्ट, और किसको हारना है किसको जीतना है, तो इट्स ओके वी डिड ओके, और बाकी लोग बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। अगेन हम लोग प्रोफेशनल नहीं खेल रहे, ये बस BCL है, वी आर एंटरटेनमेंट फील्ड, इतना सीरियस चीज़ नहीं है, बस इट्स अ फन चीज़, आप इन्जॉय करो, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, ये फन के लिए है। सो वी जस्ट हैविंग फन, हार या जीत तो हम लोग बस हमेशा हंसी रहती है मुँह में। आई थिंक मेरे हिसाब से दिल्ली ड्रैगन्स या चेन्नई, एंड मुंबई इज ऑल्सो डूइंग गुड, तो जो भी है जीतो ब्रो, मैं सपोर्ट करूँगा, बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैंने हाँ मेरे कोलकाता के लिए बनाया था, ऐसे 4-5 लाइन से, कोलकाता विल विन cuz we are the best and if you try to fight with us you will come last, hey balla gma ke hum chauke chakke marenge, BCL ki trophy hum leke aayenge, par ye nahi ho raha hai। हम लोग पीछे की ट्रॉफी नहीं लेके आ रहे, ये बस हमारा मोटिवेशनल सॉन्ग था, पर अगेन हम लोग उसने बहुत बेस्ट ट्राई किया, तो इट्स ओके। आई डोंट नो, प्रैक्टिस में वी वर स्कोरिंग 150 रन्स, विकेट्स गिरा रहे थे, वी वर हैविंग कैचेस, सो प्रैक्टिस में वी वर ऑसम, मे बी ओवर हियर थोड़ा अंडर प्रेशर, अंडर द लाइट्स कुछ होता है, बट देन आई डोंट नो क्या हो सकता है, कुछ तो हुआ होगा, आई डोंट नो, बट अगेन हारना बहुत ज़रूरी है, जितना जीतना भी है, क्योंकि फिर गेम ही नहीं होएगा, नहीं तो अभी डन ये बाय एवरीबॉडी, या लेट्स डू सम विजुअल्स, लाइक इट, अभी हम 4 में से आज एक ओके 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 इन्होंने पूछा, अच्छा अच्छा, अभी हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम हर चीज के लिए ही एक्साइटेड हैं, और मेन पॉजिटिव है, अच्छा खेले बुरा खेले जैसे भी खेले, हम उसी पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते रहेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस द टीम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और बहुत अच्छी टीम है हमारी, बहुत यूनिटी है हमारी टीम में, बहुत एक दूसरे को ही चीयर करते हैं, तो इसलिए सारे प्लेयर्स अच्छे। जब मैदान में उतरते हैं क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या प्रिपरेशन करते हैं? स्ट्रेटजीज कुछ नहीं होती, हम सबको हमें हमारा हमारी स्ट्रेंथ पता है, कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, किसको क्या करना है, किस टाइम पे कैसे क्या करना है, वो सबको सबका रोल पता है, तो बस हम अपना अपना खेलते हैं और एक दूसरे को चीयर अप करते हैं बस। ये सीजन में जो है दिल्ली ड्रैगन और मुंबई टाइगर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? उनसे अच्छा हम कर रहे हैं, जेन्युइनली उनसे अच्छा हम कर रहे हैं, ये जेन्युइन बात है, तो हम हर वे में अभी टॉप हैं रैंकिंग पे, हर वे में पॉइंट्स टेबल पे, रन रेट से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल 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 है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आप खेलते टाइम बाल कैसे पहनते थे?
यार जेन्युइन नहीं बोलूं तो बांध देती हूं बिकॉज़ ऑब्वियसली इतने लंबे बालों से फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग कुछ तो होगी नहीं, पहले मेरे बाल जाएंगे फिर मैं पहुंचूंगी, तो ऑब्वियसली बांधना तो पड़ता है बाल। बढ़िया, कभी-कभार सिक्स जा रहा होता है ऊपर से तो ये हां तो रोक लेती हूं मैं, हाइट इतनी नहीं है ना मेरी, इतनी हाइट नहीं है ना, जैसे ये जंप मार-मार के कैच पकड़ते हैं हमारे तो ऊपर से निकल जाता है। थैंक यू किसको देखूं? सेंटर वाला तो यार मान गया यार, उसको तो खुश हो गया एकदम। हां जी चलो। ओके रोने जी, आज जो है फोटोशूट होने वाला है, हिटेन कितने एक्साइटेड है फोटोशूट के लिए और क्या कुछ होने वाला है? अरे यार मेरा रोम रोम, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसे फुल लाल हो गया देख मैं इतना एक्साइटेड हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें जो है ये बैट और बॉल के साथ में, यार हमने तो यार तरह तरह के प्रॉपर्टीज के साथ में हम लोगों ने फोटो किए हैं लेकिन ये बैट बॉल के साथ में अलग ही अंदाज है। अच्छा, कोलकाता बाबू मोशाय इस साल जो है अच्छा नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, हां कहना चाहेंगे मतलब क्या डिसअपॉइंटमेंट है और क्यों अच्छा नहीं कर पाई, क्या रीजन है इसका? देखिए क्या है कि क्रिकेट में ये नहीं होता है कि आज आप बहुत अच्छा खेलोगे, आज आप अपना ये करो, दिन होता है, हमारे दिन ही नहीं थे ये समझ लो, तो चार में से हम तीन मैच हारे एक मैच जीते और मेन रीजन ये भी था कि मेरे पास जो मेरे साथ जो खेलते आ रहे हैं फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जिन्होंने खेले तो दो तीन लोग थे, मैं था, शरद था, अमित सरीन था, नमन था, बाकी लोग मोर और लेस नए थे तो उन लोगों के लिए पहला साल था, तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि ये क्या फॉर्मेट है क्योंकि ये जो बॉल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को लगेगा कि ये क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, बट एक्चुअली ये बॉल के साथ खेलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपकी असली गेम भी है ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो वही हुआ हमारे साथ। अब आई एम श्योर जो इस साल पहली बार खेले नेक्स्ट ईयर वो लोग के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो लोग रेडी है। इस साल क्या लगता है किसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस? मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिल्ली के लग रहे हैं, बट इक्वली मुंबई इज़ इक्वली गुड टीम, तो हो सकता है कि दिल्ली मुंबई, कल अभी पता चल जाएगा दिल्ली मुंबई में कौन जीतता है, क्योंकि ये है पूरा वही होने वाला है क्योंकि दिल्ली वाले जो हैं आधे मुंबई में चले गए हैं, तो यू नो इट्स लाइक सेम टीम है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई एम मुझे टीम के हारने का कारण कई एक रीजन है, लैक ऑफ ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखा है कि हमने बहुत सारे कैचेस भी छूटे हैं। नहीं 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 नहीं, वो हमारी टीम से कैचेस नहीं छूटे, बहुत सारे कैचेस हम लोगों ने पकड़े मैक्सिमम, इक्का दुक्का छूटा, वो एक कैच छूटा बिकॉज ऑफ द गर्ल का था, दैट यू कांट से, बाकी जो मेजरली फील्डिंग वॉज नाइस, हम लोग का मेरे को कोऑर्डिनेशन भी नहीं, हमें लगता है हम लोग का जो था बॉलिंग एरिया थोड़ा सा वीक था, और ये गेम बॉलिंग का ही बॉलर्स का ही है, अगर वो बॉलिंग में बैट्समैन को रोक देते हैं या उन्हें रन नहीं बनाने देते दैट मीन्स वी हैड इट, बट हर टाइम ये हो गया कि हम उन्हें रोक ही नहीं पाए और हमारे सामने स्कोर्स थे 200-233, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोई भी अच्छे बैट्समैन के लिए खेलना, के जाते ही आपको पहले ओवर से ही आपको 24 या 28 रन का एवरेज रखना है नहीं तो पहुंच ही नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा वो था। अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर की बात करें, आरशी ने काफी ज्यादा एंटरटेन किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और भाई के साथ भी काफी फ्लर्ट किया? हां, मेरे ख्याल है जो मकसद था उनको लेने का वो पूरा हो गया, अब क्या उसके साथ मैं क्या बोलूं, और मे बी देखिए क्या है कि सारे टीम में मेरा ख्याल है कोई ना कोई ऐसा है खिलाड़ी या प्लेयर है या कोई ना कोई ऐसा है जो यू नो एंटरटेनमेंट के लिए है, तो आई एम श्योर दे आर डूइंग दैट आल्सो एंड आई एम श्योर दे आर प्लेइंग आल्सो।
अभी हाल फिलहाल तो यही आप यही देखेंगे, और एक डिजिटल फिल्म की है, वो रेडी है, उसका पोस्ट चल रहा है, वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली वो है। उसके आगे मैंने अभी कुछ कॉन्क्रीट साइन नहीं किया, एक बार साइन होगा तो आई एम श्योर सबको बता दूंगा। थैंक यू, सबको मिला विजुअल आ गया। क्या करना, क्या चाहते हो? मोंटाज मत लो यार, मोंटाज क्या फायदा मोंटाज लेके। देखा क्या, देखा क्या पकड़ने तो नहीं है? ठीक है, आप भी हो? हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब शूटिंग करते रहते हैं तो थोड़ा चेंज चाहिए होता है बीच में, तो वो चेंज मिला है और रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, और वापस से हम लोग पंप हो जाते हैं अगले दिन की शुरुआत करने के लिए और मस्ती करने के लिए। यार दोनों ज़रूरी हैं, तो मैं तो चाहूँगा पहले उधर पैसे कमा के मैं मैच खेलने आ जाऊँ। बाकी दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह है, और बहुत ही मस्ती होती है, बहुत ही मजाक होता है, क्योंकि जो बाकी के दोस्त हैं जो दूसरे शोज़ करते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सब लोग मिल भी लेते हैं और लड़ भी लेते हैं और फिर साथ में बैठ के बाद में बातें भी कर लेते हैं। अभी तक हमारी टीम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सब ने अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है, और आई गेस जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आने वाले हैं तो उसमें भी हम उतना ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी हमें हमारी टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, सबको एक दूसरे पे बहुत भरोसा है, तो और जहाँ भरोसा होता है वहीं उम्मीद होती है। खासियत ये है कि जो उन लोगों का स्वैग है ना वो बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डिफरेंट है, तो आई थिंक हम खेलते नहीं, हम लोग पेलते हैं। बस करें अभी। सुना है कि BCL का भी होली फंक्शन होने वाला है, तो क्या कुछ होली मचने वाला है? धमाल मचेगा और गाना होगा, डांस होगा, कलर्स होंगे, और आई मतलब कलर से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है जितना मुझे क्रिकेट से है, तो होली के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, साल में 2-3 बार ही आनी चाहिए, और गालियाँ खाने में लोगों की बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं इतना गंदा कलर लगा देता हूँ वो 1 महीने तक नहीं जाता है, तो इसीलिए मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ होली के लिए। प्लीज़ होली आने वाली है, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, बाइक्स पर मत जाइएगा, दारू मत पीजिएगा, और गाड़ी भी में जाएँ तो ड्राइवर साथ रखिएगा, ध्यान से खेलिएगा, अपने आप को रिस्क मत पहुंचाइएगा, और सबको कलर लगाइएगा। थैंक यू। भाई मैं तो सपोर्ट कर रही हूँ अहमदाबाद एक्सप्रेस को, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ फोटोशूट हो रहा है, इट्स वेरी गुड कि अच्छी कवरेज मिलेगी उन लोगों को, और या नाइस, तो मैं देखने आई हूँ सब यहाँ पर कैसा चल रहा है सब कुछ, बिकॉज अहमदाबाद इसलिए किया क्योंकि गौरव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने अहमदाबाद को चूज़ किया। फिलहाल मुझे अहमदाबाद एक्सप्रेस से इश्क है राइट नाउ एट दिस मोमेंट, अदरवाइज किसी से इश्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। पूछो, मुझे नहीं मालूम है, गौरव ने बताया नहीं मुझे। अहमदाबाद एक्सप्रेस इज मृणाल जैन और गौरव, या दे आर द
there is nowhere. Okay, how can I talk about Ahmedabad Express and Virat and Anushka? Nahin, I can't. I don't know. ठीक है यार डन यार आई डोंट नो तुम्हें को तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है अभी मैच के बारे में आई मीन एवरीबॉडी इज गुड यार आई मीन आई कांट से वन बट कुणाल इज गुड और आप किस चीज में बेस्ट मैं किस चीज में बेस्ट हूँ आई डोंट प्ले क्रिकेट बट आई वुड लव टू आफ्टर वॉचिंग दिस मैच आई वॉन्ट टू सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स सो आई वॉन्ट टू I'm really very excited and actually I'm enjoying. I just came here for 15 minutes because my shoot was 2 o'clock here, wo cancel ho gayi. So from 12 o'clock, I'm still here. It's 3:30 right now. So I'm really enjoying it. Actually, I'm enjoying it. Ahemdabad Express ke alawa, wo kaun si teams alawa? As a competitor. Mumbai Express right now because I'm watching the match. So main abhi to main sirf yahi bol sakti hu. Otherwise, maine dekha nahi. I'm really sorry. So, और मुझसे झूठ बोला नहीं जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सबसे पहले आज फोटो शूट होने वाला है कितना एक्साइटेड है और मैच के बारे में कुछ बताइए किस तरह की स्ट्रेटजी चल रही है और क्या कुछ चल रहा है मैच में सी अगर डेली ड्रैगन की बात करी जाए अगर हिस्ट्री देखी जाए तो डेली ड्रैगन्स कभी हारे नहीं थे एंड अनफॉर्चुनेटली पिछला मैच हम चेन्नई से हार गए एंड इट वॉज वेरी सैड फॉर अस बट देन हमारे ओनर्स इतना हमें मोटिवेट करा उन्होंने रात को कि वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ बैंग एंड फॉर श्योरली विल विन दिस कप अगेन एंड दिल्ली ड्रैगन्स विल श्योरली रेज द कप इंडियन टीम में से ऐसा कौन सा फील्डर है जिसको आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं एज अ क्रिकेटर सी जब मैं छोटा था तो मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता था रॉबिन सिंह को ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट फील्डर फिर ऑब्वियसली जॉन्टी रोड्स मगर वो दूसरी टीम के ही वाज द बेस्ट वन अगर अभी फिलहाल इंडियन टीम की मैं देखूं तो मोस्टली सभी बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं एंड हमारी इंडियन टीम इज ऑब्वियसली द बेस्ट एंड सारे ही फील्डर्स मैंने अभी तक किसी को ऐसे मिसफील्ड या करते हुए नहीं देखा एवरी वन ट्राइज देयर बेस्ट एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट एंटरटेनिंग की बात करी जाए तो मेरे से ज़्यादा कोई एंटरटेनिंग है नहीं अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा मुझे ऐसा लग रहा है बट पता नहीं आपको कोई और लगे और अगर फील्डर की बात करें तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दे देना चाहूँगा पुरू को बिकॉज ही इज़ द विकेट कीपर और मैंने जो वो सेव्स उसने करी हैं क्योंकि हमारे मोस्टली सारे बॉलर्स स्विंग बॉलर्स हैं और एकदम से बॉल घूम जाती है जो बैट्समैन कंफ्यूज होता है एंड मैंने अभी तक नहीं देखा पुरू को कि कोई भी उसने स्टंप मतलब कितनी स्टंपिंग कर चुका है कितने और एक भी बॉल नहीं छोड़ता वो पीछे सो आई थिंक फ्रॉम माई टीम पुरू इज द बेस्ट फील्डर और प्रिया वारियर जो है इंटरनेट पे ट्रेंड हो रही है उसके कौन सी प्रिया वारियर करके एक लड़की है जो साउथ की हाँ. एक्टिंग कर रही है वो ट्रेंड हो रही है होती रहे जब हम ट्रेंड होंगे तब मैं बात करूंगा मेरे को क्या लेना है यार एक विंक करके आप ट्रेंड हो रहे हो सो हैट्स ऑफ टू इंडिया कि वो उसको इतना करवा दिया बट देन जब मैं आऊंगा तब देखी जाएगी अभी मेरे को कोई बात नहीं करनी उसके बारे में थैंक यू थैंक यू भाई ऐसे लोग आप उसके बारे में मेरे से पूछते मैं क्या जवाब दूं इसके लिए भाई रोहन इज है एक्चुअली अगर आप किसी से भी पूछें तो इस साल बीसीएल की
वन ऑफ द नहीं कहूँगी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लखनऊ नवाब्स है एंड वी आर गोइंग क्वाइट वेल. हमारे पूल में हम सेकेंड नंबर पे एंड हमारा एक मैच है आज, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हमारे पूल में नंबर वन पे आ जाए. सो इट्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ द इंटायर बीसीएल सीजन एंड हम लोग सेमीफाइनल्स में रहने वाले हैं एंड फाइनल्स में भी होंगे. सो आई होप वी विन द टाइटल दिस ईयर. हमारी टीम में आई गेस हमारी जो कैप्टन है शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी प्लेज रियली वेल, शी इज गॉट ऑल द क्वालिटीज. सो आई गेस श्रुति उल्फत जो हमारी कैप्टन है शी इज द वन. एक्चुअली लखनऊ नवाब्स में पिछले साल भी थी एंड इस साल सिर्फ तीन प्लेयर्स ले गए पूरे टीम में से, पूरी नई टीम है. सो आई एम ग्लैड अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ लखनऊ नवाब्स, अमेजिंग टीम बाय अजय चौधरी. सो या हियर आई एम. स्ट्रैटेजीज हमारी यही होती है कि हम फील्ड पे देखिए, हम फील्ड पे उतरते हैं सिर्फ गेम खेलने के लिए, ना कोई कंट्रोवर्सी देने के लिए, ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए. आई डोंट नो व्हाई पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये बॉक्स क्रिकेट लीग है, इट्स नॉट अ बिग बॉस हाउस और इट्स नॉट एनी अदर रियलिटी शो. क्यों इसको उस तरीके से बनाया जा रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बट आई एम ग्लैड कि मेरी टीम एक ऐसी है जो पिच पे उतरती है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करने के लिए उतरती है एंड प्रॉबेबली दैट्स द रीज़न व्हाई वी आर डूइंग सो वेल. एम एस धोनी, आई रियली एडमायर हिम एज अ क्रिकेटर एंड यू कैन से क्रिकेट इज प्रॉबेबली इन माई ब्लड बिकॉज माई फादर वॉज अ क्रिकेटर. उन्होंने रणजी खेली है यूपी से, तीन चार साल उन्होंने सचिन कपिल देव सबके साथ खेला है. सो अगर बेटा होता घर में तो डेफिनेटली वो क्रिकेटर होता, बट आई एम द ओनली डॉटर तो मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट से, प्रॉबेबली इट्स इन माई ब्लड. सो या पापा बस यही कहते हैं दैट बेटा क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट अ डे. अगर आपका दिन अच्छा है तो आप मैच जीत सकते हो. कोई बुरा नहीं खेलता जिसको क्रिकेट आता है, कोई बुरा नहीं खेलता, कोई अच्छा नहीं खेलता. क्रिकेट इज़ जस्ट ऑल अबाउट डे. ऑल यू नीड टू डू इज़ गो विद पॉजिटिविटी एंड थिंक ऑफ विनिंग. एक्चुअली इंटरनेट ही आजकल ऐसा हो गया, इट्स बिकम सच अ ह्यूज मीडियम टू रीच पीपल. अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट गर्ल. नो डाउट हर एक्सप्रेशंस वर रियली ब्यूटीफुल एंड शी डिजर्व्स इट. सो या आई एम हैप्पी फॉर हर एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो ऐसा कुछ पीपल आर रियली लाइकिंग हर. सो या आई एम हैप्पी फॉर हर. थैंक यू. इस साल मैं लखनऊ नवाब की तरफ से खेल रहा हूँ और हम बस एक ही मैच दूर है सेमीफाइनल से और ये जो टूर्नामेंट है पिछले 7-8 दिनों से चल रहा है और री यूनियन तो होता ही आ रहा है तो बहुत मस्ती कर रहे हैं हम, साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है बीसीएल के अंदर. जैसे कि आपकी टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है इस सीजन में तो जी हाँ, आज हमारा गोवा के साथ मैच है और अगर हम गोवा को हराते तो हम सीधा सेमीफाइनल्स पहुंच जाएंगे और हम सब लोग कह भी रहे और हमें भी ऐसा लग रहा है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस बार बीसीएल जीत भी सकते हैं. यूडी बहुत अच्छा खेल रहा है, उसने फर्स्ट मैच में 150 बनाई थी और फास्टेस्ट 150 थी तो आई थिंक यूडी है हमारी टीम में बेस्ट प्लेयर. और इंडियन क्रिकेट टीम में से कौन सा ऐसा? ऑब्वियसली विराट कोहली एंड धोनी दोनों मेरे फेवरेट हैं. विराट एंड अनुष्का मतलब एज अ कपल आप पूछ रहे हो कि आई थिंक मैं और कांची. जी थैंक यू सो मच. पुराने दो दोस्त बहुत अच्छा फोटोशूट हो रहा है
और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फाइनल्स हम भिड़ेंगे दोबारा और वी विल किक देयर एस. देखो पिछले मैच में इसने मुझे बोला था विल किक योर एस, बट क्या हुआ, किसकी कैस एस की कोई? वो तो किस्मत भी कभी कोई चीज होती है, गलती से जीत जब हार जाते हैं तो लोग बोलते हैं किस्मत भी कोई चीज होती है. नहीं होती, गलत बात नहीं होती. मैंने तुझे कभी कुछ बोला है? मैंने कभी बोला है? ये मेरा प्यार है दू. नहीं, हम लोगों ने अच्छा गेम खेला और हाँ. हमेशा आगे भी अगर हम भिड़ते हैं फाइनल में तो अच्छा ही खेलेंगे. अच्छा और फेयर गेम खेलेंगे हम और अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे. क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे. क्या स्ट्रेटजीज होती है जब टीम मैदान में उतरती है? बस खेलना है, अच्छा खेलना, ये एक स्ट्रेटजी होती है. बेसिक्स को फॉलो करना है क्रिकेट के. इनका ये रहता है कि इनको मेंटली कैसे भी गिरा लो. हाँ ऑफ कोर्स, जब ये पार्ट एंड पार्सल है, जब डगआउट्स बिल्कुल पीछे हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दूसरे के बैट्समैन को थोड़ा बहका सकते हो तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. सो अकॉर्डिंग टू, हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर पर्टिकुलर टीम? इन माय टीम? या इन माय टीम? नो, इनकी टीम में मैं बताऊंगा, तू मेरी टीम में बता. चल ठीक है, दैट विल बी बेस्ट बिकॉज़ अपने मुंह से अपनी टीम के लिए क्या बता. मुझे तो इनकी टीम की दोनों लड़कियां बहुत पसंद है, फिरोजा एंड आदिति. और इनकी टीम में मुझे एक तो श्रुति, क्योंकि वो हमारी टीम का पार्ट थी, वो बहुत अच्छी बॉलर हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है. और दूसरा एक है उदय तिवारी. yes. जो कि बहुत 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 अच्छा क्रिकेट खेलता है और बहुत अच्छा लड़का. तो दो लोग मुझे, ये तो है ही मेरी पसंद, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, लेकिन एज ए क्रिकेटर वो दोनों बहुत अच्छे. पार्शियल नहीं होना चाहता, बायस्ड नहीं, बायस्ड हम बिल्कुल नहीं. निकलते मुझे मारने लगे. थैंक यू. बिल्कुल अलग अलग स्टाइल में अभी फोटोशूट हुआ है और इस बार हमारी टीम गोवा किलर्स है और हम इतना किलिंग्स कर रहे हैं, सबको खत्म कर दिया है. एक्चुअली हम लोग गट टुगेदर पूरा हो रहा है, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है, टीवी के स्टार्स है, सब लोग मिल रहे हैं और अलग अलग टीम्स बना के ना, यू नो, ये बहुत अच्छा आइडिया है एकता जी का कि BCL, यू नो, और ये सब सेलिब्रिटीज मिलते हैं. वैसे तो इतना मिलना जुलना होता नहीं, बट एज अ क्रिकेट अपने अपने शूटिंग सब बिजी रहते हैं कि तो एक यहां पर है वहां पर है, तो जब किसी के शूट पर अगर जाते भी हैं तो किसी को मिल नहीं पाते. ये एक अच्छा मौका है हम लोग के लिए एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, थोड़ा सा झगड़ा, बहुत मजा आता है, बहुत लड़ते हैं, लड़ाई, मजाक उड़ाना, प्यार प्यार हो, बहुत 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 मजा आ रहा है. और हम लोग की टीम जो गोवा किलर्स है वो बहुत अच्छा प्ले कर रही है और डेफिनेटली हम लोग ही जीतने वाले हैं. युवराज सिंह, युवराज, धोनी, विराट, ये तीनों तो इज द मोस्ट फेवरेट. वो फील्डर में नहीं गिना जाते क्योंकि वो विकेट कीपर है. मैं तो सबके विराट, बज्जी, धोनी, इन सबके नाम लेना चाहूंगी. तभी ये लोग सिलेक्टेड है, तभी तो इंडियन टीम में है ना. दे आर ऑल सिलेक्टेड. हिंदुस्तान में से इतना सिलेक्शन, उन कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन दे आर प्रॉपर सिलेक्टेड, इसलिए वो इंडिया के लिए प्ले कर रहे हैं. और एक 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 कोहिनूर हीरा है, यू नो. हाँ, एम्पायर का आज ही तलाक हुआ है. आज ही हमें खबर मिली कि आज उनका एम्पायर का डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि एम्पायर है ना, वन साइड ही बोलते थे वो, जो हमारे ऑपोजिट, हमेशा हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ हमेशा. बहुत चीटिंग. मैंने कहा कि मतलब कहा कि अब तो तुम गए एम्पायर, तुम बस डिवोर्स करवा के रहोगे. जब तुम हमें जिता नहीं सकते, हमें नो बॉल नहीं दे सकते, मतलब बार बार विकेट दे रहे, आउट है, नो बॉल, ये, यू नो. तो मैंने कहा अब तुम गए. और ये मैं आपको अभी बताना नहीं चाह रही हूँ, आप लोग मैच देखिए तो पता चलेगा. ये जो मैडनेस हुआ है, आप इस मैडनेस को पूरा पागलपंती, बिल्कुल टर्कीपंती एंजॉय करने के लिए आपको हमारी मैचेस देखनी पड़ेंगी, वो भी एमटीवी पर. एमटीवी पर बहुत मजा आने वाला है ये इस बीसीएल में. वाओ, शी लुक्स, प्रिया वारियर, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल. आई थिंक शी साउथ की एक्ट्रेस है वो, स्पेशली उसकी वो जो आंख वाली जो है, वेरी वाओ, लॉन्ग वे टू गो फॉर हर. किसी को भी क्लीन बोल्ड कर सकती है उसकी आईज. थैंक यू सो मच. विजुअल, विराट का है. छोटी मेरी.
यार हमारी टीम के लिए अच्छा हर चीज़ और स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा से ही जीतने की रही है और जीतने की कोशिश करते रहेंगे और हार और जीत तो चलती रहती है गेम है एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी सही है बाकी हमारे ओनर साहब Rakhi Sawant, I said she's a good player and plus she's an entertainment person who always keeps everybody happy and you would have seen in every match she was the main person where the whole event was really, people were enjoying it. And also yesterday Rakhi ne kaafi masti kiya empowering tha, usko leke aapne Rakhi ko samjhaya? Aisa kuch ye nahi that I had to advise her ya samjhana tha. But she's already matured. हमारी टीम पूरी बेस्ट है यार हम सब अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं और कोई ऐसा बेस्ट और वर्स्ट नहीं है बेस्ट की टीम बनती है हमेशा तो एक बेस्ट निकालना सही बात नहीं है सारे बेस्ट है इसलिए टीम में आज जिससे खेल रहे हैं वो भी अच्छी टीम है वो हमारे फ्रेंड की है इनके फ्रेंड की है लखनऊ नवाब तो सबका फेवरेट विराट कोहली है आज की डेट में तो विराट कोहली सचिन के बाद विराट एंड अनुष्का अनुष्का टीम में थोड़ी होगी मैं अपना ही नाम ले देता हूँ किसी और का क्यों लूंगा मैं विराट हूँ मेरी अनुष्का कहीं और है ढूंढ रहा हूँ उसे जी थैंक यू हटो यार देखो वो आ गया देखो मैं आ गया शिट चश्मा मयूर का चश्मा मेरा तो है भी नहीं है यार ये थोड़ा ऊपर नहीं रखा है मैं तो दिखूंगी नहीं इसके पीछे फिर से तुझे उठाना पड़े चलो ना जल्दी करो ना फिर जाएंगे करो ना यार सबसे पहले तो आपकी टीम जब मैदान में उतरती है तो क्या स्ट्रेटजीज होती है और कैसे मतलब ओपोनेंट्स को हराने की कोशिश करते हैं आप देखो भैया आप फैंटास्टिक कोच सुश्रुत सर हैं जो ऑफ कोर्स हमें गाइड करते हैं हमें हेल्प करते हैं कि हमें कैसा खेलना चाहिए ही इज बीन कोचिंग अस सिंस द पास्ट फ्यू मंथ्स और स्ट्रैटेजी तो हमारी सिंपल और प्लेन एंड सिंपल जिसे कहते हैं वो ये होती है कि वी गॉट टू गो देयर इन द फील्ड एंड विन द मैच एंड ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे लखनऊ नवाब में बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं सेलिब्रिटीज जो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनको ज्ञान है क्रिकेट का जिनको नॉलेज है स्पोर्ट्स की जिनके अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो वहाँ पर जो हम हैं वो कमाल का प्रदर्शन करते हैं वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स दैट वी आर अ गुड टीम वी आर अ गुड यूनिट वी आर टुगेदर एंड हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग ऑलवेज व्हेनेवर वी प्ले Good team spirit. Yeah. Basically, we are in it to win it. Absolutely. Very exactly. Simple. Yeah. Chitranshi, और आपसे जानना चाहूँगा कि चक्दे में जो 17 मिनट आपको last 70 का तो wrestling भी नहीं होती शायद वो भी ज़्यादा आप लोगों को मिली थी वो यहाँ पर कितनी काम आ रही है और उस तरह की strategy को कितना use कर पा रहे हैं आप लोग हमारे जैसे हम लोगों ने एक्चुअली ये पहले दिन इन लॉकर रूम जब हम लोग का फर्स्ट मैच था हमने 70 मिनट की स्पीच एक्चुअली करी थी सो आई थिंक वी ऑल गॉट लॉट ऑफ लाइक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट ऑफ कोर्स बट आई थिंक कंसीडरिंग दिस इज नॉट 70 मिनट इट्स लाइक 3 घंटे या 3 घंटे लगते हैं तो हमारे 70 मिनट में अपने आप को आई थिंक रीजेनरेट कर लेते हैं बार बार सो और हमारे जैसे आपने देखा था फिल्म के अंदर कोच और हमारे कैप्टन बहुत अच्छे और सुलझे हुए थे दैट इज अ सिमिलैरिटी इसके अंदर भी हमारे कोच और हमारी कैप्टन साहिबा जो है जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से आई डोंट डाउट दैट एट ऑल आई सेकंड दैट थॉट ओवर कॉन्फिडेंस यस यस एब्सोल्युटली एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गॉट अभी आई एम सॉरी आई एम नॉट इंक्लूडिंग यू आई विल इंक्लूड यू बट ये जो मेरे यार हैं ये मेरी टीम में है हम एक साथ खेल रहे हैं इस बारी आई मीन एंड इट्स फन टू बी टुगेदर एंड चल अब तू भी आ जा ये भी यार हो गया है तो इट्स गुड दैट लाइक माइंडेड पीपल आर वर्किंग टुगेदर और यहाँ पर हमारा एक ही लक्ष्य है टू गेट द कप ऑफ 2018 बॉक्स क्रिकेट लीग किलर वी आर नॉट हियर फॉर एनीथिंग एल्स बट टू विन या या या
अच्छा उसको पूछा था। देखिए सबकी अपनी अपनी खासियत है, सबकी अपनी अपनी काबिलियत है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, सबकी अपनी वीकनेसेस हैं, और कभी कोई चलता है कभी कोई नहीं चलता। एंड क्रिकेट जो खेल है मेरे हिसाब से जितना भी मैंने देखा है जितना मैंने खेला है, इट्स अबाउट योर डे। इफ़ इट इज़ योर डे इट इज़ योर डे, इफ़ इट इज़ नॉट योर डे तो आगे तुम्हारे क्रिस गेल भी आ जाएगा और आप बॉलिंग कर रहे होंगे तो यू नो आप वो छक्के छक्के पड़ेंगे एंड यू नेवर नो यू माइट जस्ट बोल्ड हिम एज वेल इफ इट्स योर डे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक हम सारे के सारे जो खिलाड़ी लखनऊ नवाबी टीम में आए हैं उनकी अपनी अपनी काबिलियत है, अपनी खूबसूरती है, अपनी एनर्जी है जो एक दूसरे को यहाँ दे रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय इट। ओह माय गॉड इतनी खूबसूरती जब मिल जाती है लड़के तो पता ही भूल ही जाते हैं। सो हाँ आपका क्वेश्चन क्या था? देखा क्वेश्चन भी भूल गया। Well, as such, ऐसे जैसे श्रुतु ने बताया कि हम कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाते फील्ड पे, वी जस्ट गो देयर टू हैव फन एंड जस्ट टू विन द गेम। और आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। अगर कोई लड़ाई लड़ भी रहा होता है हम उसे चुप करा जाते हैं अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी। Yes, हम लोग क्या है ना जिसका बहुत ज्यादा लड़ने का मूड होता है ना हम उसे ऑपोजिट टीम के ऊपर खुला छोड़ देते हैं। तो बहरहाल प्लेन एंड सिंपल नवाबों के नवाब लखनऊ नवाब। देखो क्या रेजोनेंस था, एको था। अच्छा एक ही टाइम पे दो दो सवाल। अच्छा पहली बात तो ये है कि ये मेरा पहला BCL है तो कैप्टन होने के नाते मैं इतना एक्सपीरियंस था नहीं तो मुझे काफ़ी सीखने को मिला है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने टीम को मैनेज कैसे करते हो, चाहे वो बैट्समैन बॉलर्स ऑलराउंडर्स है। ऐसी कई कई बार होता है कि सबको टीम में खेलना है बट यू हैव टू लुक फॉर द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हमारे कोच और मैं साथ में बैठ के डिस्कशंस करते थे। कभी कभी आपके प्लान्स निकल जाते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं तो वो मैच के ऊपर है। बट आई थिंक पिछले एक हफ्ते में मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है और आने वाले सीजन्स में होपफुली वो रंग ले आएगा। आई थिंक एज अ प्लेयर प्रेशर रहता है, इट्स नॉट कि मैं कैप्टन हूँ तो इसलिए मुझे प्रेशर है, बहुत सिंपल सी बात है। बट मैं इस प्रेशर को इन्जॉय करता हूँ तो आई रियली इन्जॉय इट। तो ऐसा नहीं है कि यू नो मैं डर डर के खेलता हूँ कि अरे अगर हम हारे टॉस हारे या मैच हारे तो क्या होने वाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं तो अच्छा लगता है, गुड प्रेशर। बहुत सिंपल सा ब्रीफ है, एक तो प्लीज़ आप अपने आप को इन्जॉय करो, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ फील्ड पे, जो भी आपकी भावनाएं हैं उसे एक्सप्रेस करो, अंदर रखो मत। ऐसे नहीं कि मैच खत्म होने के बाद आप बताओ कि ओ ये करना चाहिए था वो कहना चाहिए था, ऐसा नहीं। तो जो कुछ भी आपके अंदर है उसे आने दो बाहर, बट ऑब्वियसली बैडली बिहेव मत करो बिकॉज पूरी टीम का नाक कट जाता है तो वो सही नहीं है। और कंपेटिटिव और अग्रेसिव रहना अच्छी बात है बट एक हद तक, यू नो आई थिंक कई कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश में होश खो बैठते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को मैनेज करो और अपने टीम को मैनेज करो।
एज कैप्टन आई थिंक फिलहाल इस सीजन में देखा जाए तो जान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द इनिंग्स. फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं, बैटिंग भी अच्छे करते हैं, एंड आई थिंक ये एक बड़ी एडवांटेज है जब आपके बैट्समैन लेफ्ट हैंडर है इस फॉर्मेट में. तो आई थिंक जान जिन जिन टीम के साथ हमने खेला है, डेफिनेटली अहमदाबाद एक अच्छी टीम है. आई थिंक उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं. मुंबई एक बड़ी स्टार स्टडेड टीम है, ऑलराउंडर्स है उनमें. तो ये दो टीम, दिल्ली के साथ तो हमने मैच खेला नहीं है, बट सुनने में आया कि दे आर अ वेरी गुड टीम एज वेल. थैंक यू. हाँ किसके बारे में? अच्छा ये हम भूख लगे तो खाना खिलाओ. ये BCL का फोटोशूट है, बॉक्स क्रिकेट लीग थर्ड सीजन में है और दिल्ली ड्रैगन्स दो साल से चैंपियन रही है. ये हमारा तीसरा साल है. दिस ईयर विल बी अ हैट्रिक अगर हम BCL जीतते हैं तो. अभी तक 15 मैचेस जीते हैं और कोई भी मैच हारे नहीं है. हमारी टीम की स्ट्रैटेजीज मैं ही बनाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो द कोच ऑफ दिस टीम. आई एम बींग अ प्लेयर, आई हैव एक्सपीरियंस 2 years ऑफ BCL एंड दिस ईयर आई एम ऑल्सो कोचिंग द टीम. सो आई एम हेडिंग टीम दिल्ली ड्रैगन्स. हम स्ट्रैटेजीज बहुत बनाते हैं. हम पिछले दो साल से सिर्फ स्ट्रैटेजीज पर ही BCL जीत रहे हैं. हर मैच में हर टीम के साथ एक अलग स्ट्रैटेजी होती है. कहीं हम अपने बैटिंग पे काम करते हैं, कहीं हम अपनी बॉलिंग पे काम करते हैं. जैसे अब शायद सेमीफाइनल्स में हमें मुंबई मिलेगी तो हम अपने बैटिंग पे ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि मुंबई की बॉलिंग बहुत अच्छी है. सो डिपेंडिंग ऑन किस टीम को हम फेस कर रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनते हैं. बहुत मेहनत करते हैं सारे एक्टर्स. मैं एक्टर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स नहीं. और एक्टर्स जब क्रिकेटर्स बन के खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. कौन से एक्टर है जो बेस्ट प्लेयर्स हैं? बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे हैं प्लेयर्स हैं. यू विल बी शॉक टू सी देम प्ले. सुयश राय है, आदेश चौधरी है, पुरु छिब्बर है. लड़कियों में अदिति गुप्ता है जो माइंड ब्लोइंग है. शिखा सिंह है जो बहुत अच्छा खेलती हैं. फिरोजा खान है जो बहुत अच्छा खेलती हैं. पारस बब्बर है जो बहुत अच्छा खेलते हैं. देर इज दिस गाय हु इज प्लेइंग हिज फर्स्ट सीजन, पहले सीजन में खेल रहे हैं, पठान, वो बहुत अच्छा खेलते हैं. तो काफ़ी एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं. दिल्ली ड्रैगन्स को कंपटीशन सिर्फ एक ही टीम दे सकती है, खुद दिल्ली ड्रैगन्स, क्योंकि अभी तक 15 मैच खेले हैं, एक भी नहीं हारे हैं. दिल्ली ड्रैगन्स दो साल से ये टूर्नामेंट जीत रही है. तीसरे साल वी आर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल्स. तो अब तब जब तक कोई और टीम हमें हराए नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई टीम हमें टफ चैलेंज दे सकती है, हरा सकती है. दिल्ली ड्रैगन्स को सिर्फ दिल्ली ड्रैगन्स हरा सकती है. लेकिन क्रिकेट है, गेम है, वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ऑन ए गिवन डे अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेले तो हम खुशी खुशी हार मान लेंगे. BCL का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैंने जो तीन साल से देखा है. मैं तीन साल से BCL खेल रहा हूँ. सारी दूसरी टीम्स जो हैं, 10 की 10 टीम्स हमारे अलावा बाकी 9 टीम्स जो हैं, उनका यही मकसद होता है कि किसी भी तरह हम दिल्ली को हरा दें. और दिल्ली का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम जीत लें. तो शायद जिस दिन बाकी टीम भी ये सोचने लगेंगी कि वो जीत जाएँ, वो जीत जाएंगी. Are you sure हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है? हम तीनों मैच हार चुके हैं. आज होपफुली हम जीत जाए, यही प्रे कर रहे हैं. पर हमारी टीम मोस्ट एंटरटेनिंग टीम है पूरे BCL की. मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट TRP हमारी टीम ही देगी. एग्जैक्टली. और प्लेयर्स तो पता नहीं, पर एंटरटेनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास. बट फिर भी हम बहुत अच्छे रन लेते हैं. हर मैच में हमने 100 से ऊपर ही रन बनाए हैं. इतनी कमजोर भी नहीं है बेचारी. पर वही बात है, जिसकी गाड़ी रेत में उल्लू उसका नाम. तो आज जो है फोटोशूट होने वाला है, कितना एक्साइटेड है और क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताओ. फोटोशूट
ये तो अभी हमें आपसे ही पता चल रहा है, पर अगर होने वाला है तो ऑब्वियसली फोटोशूट तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है, सो लेट्स सी क्या होने वाला है फोटोशूट में। और आप दोनों का इंडियन क्रिकेट टीम में से कौन सा ऐसा फील्डर है जो आपका दोनों का फेवरेट है? फील्डर फील्डर तो फील्डर पता तो नहीं, पर प्लेयर तो विराट कोहली। सेम विराट कोहली ऑलवेज। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों को विराट और अनुष्का से कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एज अ कपल? देखो शायद इस टाइम के हम मोस्ट ट्रेंडिंग कपल हम ही हैं, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होता ही है। विराट एंड अनुष्का इज़ वन ऑफ द बेस्ट कपल जो कि मुझे बहुत पसंद है आज तक के, जिनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है। बहुत रेयर कपल्स होते हैं ऐसे जिनकी इतनी जल्दी रिलेशन के बाद शादी भी होती है, सो आई लव देम। और अगर हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं सो आई थिंक लाइक इट, या नथिंग लाइक इट। ओके, प्रिया वारियर नाम की एक लड़की इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रही है, आई नो, क्या रिएक्शन? किस्मत है उनकी, किस्मत है, चल रही है। मैंने देखा है वो क्लिप जो कोई महान चीज तो बड़ी है नहीं, आंख मार दूं मैं भी मार सकता हूं, आंख मारने में क्या है, आप भी मार सकते हो। आई चैलेंज जो उनका सीन था क्या था वो, मैंने उस पे इतना तवज्जो नहीं दिया, इन्होंने तो देखी नहीं है वो वीडियो, आई थिंक एक आंख मार के ऐसे ही किया था तो पर इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक आंख मारी है, मैंने बिग बॉस के घर में 500 आंखें मारी हैं, वो तो कुछ हुआ नहीं। बट आई थिंक ये उनकी किस्मत है अच्छी जो एकदम से वायरल हो गई है, वो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनके करियर के लिए, बिकॉज आई थिंक 2 मिलियन से सीधा 4 मिलियन या 3.8 मिलियन तक पहुंच गए उनका इंस्टाग्राम। आई होप वो इसको मेंटेन कर पाए या और आगे जाएं। एक्ट्रेस तो वो पहले से थी आई थिंक, बट एकदम से अभी वायरल हुई है तो बहुत ज्यादा नोन हो चुकी है, सो इट्स गुड फॉर हर। हम इतने बड़े एंटरटेनर हैं कि हम एंटरटेनमेंट में ही सब कुछ भूल जाते हैं, हम तो भूल ही जाते हैं कि यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है तो मस्ती मजाक। राखी हमारे टीम के हारने का कारण है सबसे बड़ा, हाँ। राखी इतने मजे करवाती है कि हम सब भूल जाते हैं, वो दूसरों के छक्कों पे जाके डांस करती है, हाँ। तो बस ये हमारी टीम का ध्यान ही चला जाता है उधर। राखी ने जो अंपायर के साथ काफी फ्लर्ट किया लास्ट टाइम, क्या कहना चाहेंगे? आप खड़े हो जाओ, राखी आपके साथ फ्लर्ट कर लेंगे, अंपायर क्या चीज है। तो राखी और फ्लर्ट ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं, और एंटरटेनर है, जैसे भी उनको लगता है कि ऐसे एंटरटेनमेंट हो जाएगी तो वो ऐसे कर लेती है। एंड शी इज वेरी गुड एट इट, या बहुत अच्छी है अपने काम में, हमें बहुत पसंद है वो, और हम बहुत खुश है कि हमारी टीम में है। चलो जीत नहीं रहे तो कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो रही है, वो हमें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती, शी इज सो एंटरटेनिंग। चीयर्स, थैंक यू, थैंक्स। हाँ जी यहाँ पे कर दे बोले फिर ऐसा राइट किया बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू सेंटर दोनों यहाँ पे ये साइड तो भी ये सर राइट सेंटर सेंटर एक्सक्यूज मी सेंटर सर या प्लीज चलो नहीं यार चलो ना तुम खिलाड़ी हो अभी तो बोला था लड़की लड़की हो फर्क नहीं है Yeah, look here. Yeah, right. Center. Yeah, ma'am, right.
थोड़ा लेफ्ट में यहाँ पे या ऑन लेफ्ट लिटिल अरे या राइट मैम राइट राइट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट या वी या बोथ ऑफ यू स्ट्रेट नाउ या 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 थोड़ा उठाओ ना उनको रेडी वन वेट अ वन टू थ्री थोड़ा थका हुआ लग रहा है और इंटेंस आना चाहिए यस नाइस थोड़ा स्माइली सॉफ्ट एक्सप्रेशन ही चल बच्चे ये चिन नाउ सुपर यार दिस इज नाइस और फेस स्ट्रेट कर हां थर्माकोल हां देना एक साइड में उसके चल यस होल्ड फिर से कर हां एक बार ये वाला एक बार बॉल ले लो बॉल से बॉल को और आगे लेकर गया और अच्छा लगा आगे रहा है चलो यस वन ठीक ना टू थ्री यस नाइस वन मोर वन टू थ्री यस सुपर हाई लोअर अंदर लेना बैट का पोजीशन एक बार तो अपनी बॉडी टिल्ट कर ले आता कुछ एक बार बैक टू बैक टच करना है पोजीशन नहीं बता आदेश लुक कैमरा चेन्नई में जो भी लोग हैं उन लोगों से मेरा मजाक मस्ती बहुत चलती है रिनी जो नाम है उससे भी मेरा बहुत बहुत मजाक मस्ती चली है जस्ट होल्ड योर हैंड्स हाँ ले लो थोड़ा फ्रंटली बनाना चाहिए होल्ड हाँ नाइस आई थिंक स्लाइटली फेस रेडी ताल लाइट थोड़ा इवन रखो थोड़ा होल्ड आई थिंक स्लाइटली फॉरवर्ड थोड़ा सा एक स्टेप आगे बस यस होल्ड वन मोर होल्ड ठीक है वो बॉल बैग के पर Aditi, just hold on, yes. Nice, and one more hold. Hold one more. Take a shot, Dede. One, two, three, yes. Shout kar rahi hai, smile kar rahi hai. Yes. Nice. I like that. Yes. Nice. Yeah. Yes. Nice. Super. One more. One, two, three, yes. ज़्यादा ऊपर गया. Three, yes. Nice. ये अभी solo दे देना. चल. देखे ना. Nice. ज़्यादा थोड़ा सा one side रखना लाइक है. ठीक है नाइस. तो one side ऊपर. ब्लोअर पड़ा हुआ है अपने पास ना यस लुक ब्लोअर रखना इधर ही होल्ड किसे थोड़ा टाइट रखना नाइस होल्ड लीव इट बैक खाली बैट के साथ लुक वन मोर होल्ड लाइट थोड़ा फ्रंटल करो नीचे नहीं दे रहा ना दिया मैंने इतना फुल भी लिया होल्ड एक मिनट होल्ड ज़्यादा ज़्यादा फ्लैट हुआ लाइट थोड़ा और वन साइड करें थोड़ा और भाई और दे
करती है अपने किलर एटीट्यूड से. अच्छा, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टीम कौन सी? गोवा खेला, गोवा खेला बेस्ट टीम. आप किसी भी टीम से पूछोगे, मैच के अलावा पूछना है कि कौन सी टीम बेस्ट है. चीज़ों में बेस्ट हो सकते हैं तो हमारी टीम एंटरटेनमेंट में नंबर वन. नहीं, ऐसे जाके ये मेरे साथ रहते सारा दिन, मुझे नहीं पता ये कैसे किया चुपके से, बट चुपके से जाके ये. अच्छा, आई वॉज द वन who call you and call you also. Okay, Valentine pe mera match. Right. Acha, okay. So Holi this time Holi. Holi karenge. Huh? Thank you. Bikhte rehte hain, fir uski khilli uda lete hain, fir hans lete hain, fir wo hamari uda lete hain. So it's been happening. So it's fun to play. Okay, aapki team ko chhod ke aur kaun thi? Super. Okay. थोड़ा लाउड ये करेंगे ना, वो बॉल ले लेंगे यार. यस, लुक नाइस, वन मोर. यस, या होल, सुपर. एक में दोनों हाथ से या तो बॉल ऐसे सीम से हो. नाइस, टू फाइव. सेम में जो वो लेंड वाला था अच्छा था, और हल्का सा बॉडी आई ऐसे मूव करे परफेक्ट. लुक लुक अप, होल्ड प्लीज, होल्ड. चलो यस, रेडी, लुक नाइस. और इन लोगों की तरफ नहीं बोलो, पॉइंट आउट टू देम. यस, लुक दो तीन एक्सप्रेशन देना इसमें, एक में सेटल, एक दो में थोड़ा लाउड भी कर सकते हो. यस, वन टू थ्री, नाइस, वन मोर. सेम ऑन बैक के साथ, यस, मैं ऐसे होल्ड करना. लुक पानी आ रहा है, होल्ड. एक और स्टेट स्टेट, यस, नाइस. दो तीन हल्का सा डोज, नाइस. बैट का क्या करें, आई टू थ्री है, नाइस. थोड़ा फेस डिस्टॉर्ट हुआ जब नीचे गया ना, वन टू थ्री. यस, ये भी ठीक है. लाइट थोड़ा फिल्टर लो, ठीक है, एक सेकंड. थैंक्स मोर. थोड़ा कुछ थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच. अली मोर डालना, अली इधर ज्यादा नहीं मैच में सर. वी आर अपनी टीम की कैपेबिलिटीज के बोल रहे हैं. थैंक यू अर्जुन, ऑल द बेस्ट, आप ले लो. ग्रेट ग्रेट, ऑसम. एक सेकंड, आप पकड़ोगे ना वो? ओके, चलो फिर सही है. नहीं यार दादा, उसको वन साइड करो, साइड जा रहा है, कंट्रास्ट. होल्ड 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 होल्ड, जस्ट सेकंड, नाइस. रुक गया, वहीं खड़ा है.